हेलो गुड इवनिंग ऑल वेलकम टू अवर फिल चैनल आशा है सब मेरे साथ जुड़ गए होंगे और जो जुड़ते जा रहे हैं वो मुझे एक अप शो करेंगे आई एम सोनाली योर रिवियस टीचर सो अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सभी के आने का सब हमारे साथ जुड़ जाएं थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि सॉरी फॉर देट कि मैं दो तीन दिनों से लगातार आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रही थी यहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी जिससे कि जो नेट कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल कटअप हो गई थी और मैं आप लोगों से कनेक्ट कोशिश तो कर रही थी बट कनेक्ट नहीं हो पा रही थी तो so फाइनली आज हम कनेक्ट हो पाए हैं और होपफुली आज हमारी क्लास बहुत अच्छी होगी तो आप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो मुझे एक थम्सअप शो करेंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग तक मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है अगर आ रही है आवाज़ तो आप एक थम्सअप शो करेंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो जो भी हमारे साथ पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही है और जो अब हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बार मैं और रिमाइंडर के लिए ये पेज शो कर रही हूँ इसको आप सभी देखेंगे कि हमारे जो एजुकेशनल हमारी वेबसाइट है फिलअप फॉर्म की इसके साथ आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे कि आप बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में आपको सबसे पहले तो आपको पता चलता है बहुत से कोर्सेज़ के बारे में और जब आप कोर्सेज़ करते रहते हैं उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट पोस्ट की जो निकलती है रिक्रूटमेंट निकलती है उसके बारे में भी आपको वो पोस्ट के बारे में पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है सो so, आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्री बेसिक ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं कंप्यूटर के वो हैं वेब डेवलपमेंट है हैकिंग है तो ये सब कुछ आपको फ्री मिलता है तो इससे अच्छा और क्या ऑफ़र आपके लिए हो सकता है कि आपको ये सारी जो कोर्सेज़ हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं एक ही जगह पर मिल रही हैं आपको इधर उधर बहुत सारे अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करने होंगे चैनल आप एक जगह रहिए और इन सभी चीज़ों का आप जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं तो फिलअप फॉर्म की जो एजुकेशनल वेबसाइट है उसमें आपको ये सारे फ़ायदे मिल जाते हैं आपको साइड में लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे इन्वाइट लिंक्स हैं यहाँ अगर आप जुड़ते हैं तो ये हमारे इनवाइट लिंक के साथ आप जुड़ जाने से आप अपने सब्जेक्ट वाइज इसमें जुड़ सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको जो ई का हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का उसके इनवाइट लिंक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप हमारे सब्सक्राइबर बन के और सारा आपको क्लासेस के बारे में डे टू डे जो भी हमारा चल रहा है वो सारी जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे और क्या क्या कोर्सेज शुरू हो चुके हैं फिफ्टीन ऑफ अगस्त से हमारा पी एंड टी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि आप लोगों का जो ये क्लास क्या है आपके कोर्सेज आगे बढ़ गए हैं आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे आपके ये कोर्स छूटते जाएंगे तो रिवीजन जब होगा तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपने क्या क्या किया नहीं किया अगर आप शुरू से जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको रिविज़न भी अच्छा लगेगा करने में तो एक प्लानिंग के साथ चलिए रेगुलर क्लास अटेंड करिए और हमारे साथ जो नहीं जुड़े हैं आपके और फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको बताइए कि जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें जिससे कि उनको पूरा बेनिफिट मिल सके क्लास का ओके सो so, हमारी जो टाइमिंग है क्लास की वो एक बार आप लोगों को मैं बता देती हूँ जो पुराने हैं वो उनको तो मालूम ही है जो न्यू हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी ये टाइमिंग पता चल जाएगी ओके तो अब आगे हम टाइमिंग देख लेते हैं कि एट ओ क्लाक इन द मॉर्निंग यहाँ से हमारी क्लासेस शुरू होती करेंट जीके की नाइन ओ क्लाक एस एस टी टेन ए एम मैथ्स ट्वेल्व पी एम जी के वन पी एम को आपकी दो क्लास रहेगी जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट किस सब्जेक्ट के लिए है तो वो सब्जेक्ट आप चुन लीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दोनों अटेंड करने का मन है दोनों की आपको इच्छा है तो आप एक का लाइव देख सकते हैं और दूसरा आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो ये लाइव सेशन है ये वीडियो में कन्वर्ट होके भी आपको मिल जाता है ओके देन सी की क्लास आपकी थ्री पी रहेगी फोर पी रीजनिंग फाइव पी होम साइंस सिक्स पी एनवायरमेंटल 7 पी एम कंप्यूटर एंड देन 10 पी एम आपकी जनरल हिंदी की क्लास रहती है इट इज़ फुल कोर्स ऑफ पी जी टी एंड टी जिसको कि हमने स्टार्ट किया हुआ है फिफ्टींथ ऑफ अगस्त से आगे देखते हैं कि और जो हमारे न्यू कोर्स हैं सी की जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है 9 ए एम एस की क्लास है टेन ए एम मैथ्स की वन पी एम जनरल इंग्लिश वन पी एम संस्कृत थ्री पी एम सी डी पी फोर पी एम रीजनिंग सिक्स पी एम एनवायरमेंटल सेवन पी एम कम्प्यूटर दैन लास्ट जो आपकी नाइट में है हिंदी की क्लास है टेन पी एम ठीक है और आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा दैट इज़ आवर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर योर क्वेरीज अगर आपको कोई भी तरह की कुछ क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर इज़ एट टू ज़ीरो नाइन एट थ्री सेवन एट डबल फोर ओके okay? तो इसमें आप कोई भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं तो देखिए हमारी जो क्लासेस हैं कुछ दिनों से तो हो नहीं पा रही थी तो पिछला जो हमने पढ़ा हुआ है वो प्लांट्स का ही हमारा टॉपिक चल रहा था और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो बार बार छूट जा रहा था नहीं हो पा रहा था तो आज हमारा प्लांट का जो है ये फोर्थ हमारा पार्ट है और आज हमारा ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो जाएगा और आज जो हमारा टॉपिक है वो मतलब स्पेशल प्लांट्स के ऊपर ही है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको स्पेशल प्लांट हैं उनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसमें से आप ये समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट क्लास है ये क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा पूछे जाते हैं तो ये जो है आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये है नेपेंथस प्लांट इसको इसका नाम है नेपेंथस प्लांट ठीक है और इसको पिचर प्लांट भी कहा जाता है तो कई बार क्या होता है कि ये नाम से भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लगता है कि ये नेपेंथस है या पिचर है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दैट इज़ नेपेंथस प्लांट इसको और भी कहा जाता है पिचर प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है तो ये जो प्लांट है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया है कि दैट इज़ द यूनिक प्लांट है ना ये बहुत ही यूनिक प्लांट है और ये इंडिया में हर जगह नहीं पाया जाता ये पौधे हम लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये मेघालय जो है हमारे इंडियन स्टेट आप जानते हैं मेघालय वहाँ पे ये बहुत पाया जाता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में पाया जाता है नेपेंथस प्लांट या पिचर प्लांट दोनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा दोनों सेम ही प्लांट हैं इसको आप इसका जो हिंदी नाम है वो इसका है घट पढ़नी इसका हिंदी नाम है घट पढ़नी ठीक है तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि ये पिचर प्लांट है या नेपेंथस ठीक है तो ये आप कहीं नोट डाउन भी करते जाइएगा जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो ठीक है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या खास बात इसमें होती है अब प्लांट नेम नेपेंथस ट्रैप देखिए ट्रैप इसके साथ जुड़ा हुआ है एंड ईट फ्रॉक्स इंसेक्ट एंड इवन माइस प्लांट इज़ ऑलसो नोन एज पिचर प्लांट देखिए ये नेपेंथस ट्रैप है एक्चुअली देखिए इसका है ट्रैप ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना ट्रैप में ले लेना जैसे हम आ, कभी हमारे घर में बहुत चूहे हो जाते हैं तो हम उनके लिए ट्रैप बिछा के रखते हैं जालियां लगा के रखते हैं जिसमें वो आकर के क्या होते हैं फंस जाते हैं तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये किसी तरह की कोई ट्रैप है कोई ऐसी जालीदार चीज़ है या कोई ऐसी पकड़ने वाली चीज़ है तो यस नाम जैसा इसका है उसी तरह से इसका काम भी है इट इज़ द कार्निवोरस प्लांट ये एक मांसाहारी पौधे की श्रेणी में आता है अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक पौधा होकर के और ये कार्निवोरस प्लांट है बहुत अजीब बात है बट ये सच है कि ये एक मांसाहारी प्लांट है जो फ्रॉग्स खाता है इंसेक्ट्स खाता है इवन जो छोटे छोटे माइस होते हैं चूहे के जो बच्चे वगैरह होते हैं इन तक को भी ये नहीं छोड़ता है इन तक को भी ये खा लेता है और इस प्लांट को नेपेंथस ट्रैप के अलावा पिचर प्लांट भी कहा जाता है हिंदी में मैंने आपको बताया घट पढ़नी ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछती हूँ क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये पौधे का कौन सा पार्ट होता है मतलब पौधे के हमने पार्ट पढ़े थे ना प्लांट्स के पार्ट हमने पढ़े थे स्टेम होता है रूट होता है लीफ होते हैं ब्रांचेज होते हैं और इनके फ्लावर्स होते हैं फ्रूट होते हैं तो ये पौधे का कौन सा पार्ट होता है आपको ये बताना है ये कौन सा पार्ट है पौधे का ये फूल है ये फल है ये पत्तियां हैं ये स्टेम है या ये रूट है कौन सा पार्ट है कोई बता सकता है मुझे मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ आप लोगों के आंसर का देखते हैं किसको आंसर पता है जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आंसर ज़रूर करेंगे <coughs> क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ये जो आपको शो हो रहा है पिक्चर प्लांट का ये पार्ट ये पौधे का कौन सा पार्ट होता है तो देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करते हैं आ, बहुत लोग जुड़ तो गए हैं हमारे साथ रूपाली जी विजय जी और अवनी जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम और जो लोग अभी मुझे थम्सअप नहीं शो किए हैं वो भी थम्सअप शो करेंगे और मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मुझे मिला है तो क्वेश्चन का आंसर भी आप देंगे कि ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का तब तक मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताती हूँ सेंटर पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा है डायग्राम्स में कुछ लेबलिंग की हुई है लिखे हुए हैं नाम तो देखिए कि ये एक ऐसा लग रहा है कि कोई बोतल है और बोतल का ढक्कन है ऊपर देखने से तो इसी तरह दिख रहा है सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ भी है कि लिड विजय जी ने लिखा है कि इट इज़ द फ्लावर ये फ्लावर है रॉन्ग आंसर ये राइट right आंसर नहीं है इट इज रॉन्ग आंसर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों के आंसर का वेट करती हूँ तब तक मैं इसका डायग्राम आपको समझाती हूँ ओके तो देखिए सबसे ऊपर तब तक मैं आप लोग बताते रहिए अपने तुक्के लगाते रहिए और मैं तब तक आप लोगों को आगे समझाती हूँ ठीक है तो देखिए लिड जो है लिड का मतलब होता है ढक्कन ये आपको देखने से लगेगा कि एक बॉटल है और बॉटल के ऊपर ढक्कन है ठीक है और इसमें एक रिम है रिम का मतलब होता है किनारा ठीक है रिम का मतलब होता है किनारा जो साइड का जो घेरा होता है ना उसको कहा जाता है रिम और अंदर जब हम इसके अगर कभी आप उंगली डालेंगे वैसे तो डालना खतरनाक होगा बट अंदर एक स्लिपरी वॉल होती है मतलब अगर कोई भी चीज़ अंदर जाती है ना तो वो फिसल जाएगी स्लिप होकर के और अंदर चली जाएगी और फिर एक सेक्रेटरी लेयर होती है मतलब अंदर एक सेकेंड लेयर होती है वो उसको और अंदर धकेल देती है इसलिए वो सेकेंड लेयर होती है और सबसे नीचे होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड एरिया जहाँ पे जो भी उसके अंदर इंसेक्ट जाता है या फ्रॉग है माइस है कोई भी तरह का एनिमल उसके अंदर अगर वो चला जाता है तो उस डाइजेस्टिव ग्लैंड से वो क्या करता है इसको अंदर पचा लेता है सोख करके अंदर पचा लेता है डाइजेस्ट कर लेता है तो दैट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड तो इसको बड़े ध्यान से आप देखिए कि इसमें एक लिड होती है किनारा मीन्स रिम होता है स्लिपरी वॉल होती है जो इम्पोर्टेंट है और देखिए जैसे ही इसके अंदर कोई इंसेक्ट या एनिमल ट्रैप हो जाता है पकड़ में आ जाता है तो इसका लिड बंद हो जाता है मतलब उसने पूरी तरह से उसको क्या कर लिया है अपने अंदर जकड़ लिया है या पकड़ लिया है तो उसको पकड़ लेते हैं और वो अंदर ट्रैप हो जाता है फंस जाता है तो लिड का काम होता है जैसे ही उसके अंदर कोई फंसे वो बंद कर लेगा रिम इसका किनारा होता है और इसमें एक हल्की खुशबू आती है इस खुशबू के कारण जो इंसेक्ट्स हैं ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वो कुछ सोचते हैं खाने पीने की चीज होगी जाते हैं और वहाँ ट्रैप में फंस जाते हैं तो देखिए मैं आप लोगों को एक हिंट भी कर रही हूँ अभी तक किसी का आंसर नहीं आया घट पढ़नी इसका नाम है घट का मतलब होता है घड़ा हिंदी में मैं आप लोगों को बताती हूँ इंग्लिश में तो आप नहीं कर पाएंगे इसमें आ, कोई भी अंदाज नहीं लगा सकते नाम से लेकिन हिंदी जो इसका नाम मैंने आपको बताया था घट पढ़नी इसीलिए बताया था आप इसके नाम से अंदाज लगा सकते हैं घट घट का मतलब होता है घड़ा और पर्णी पर्ण का मतलब होता है पत्ता मीन्स लीव तो इट इज़ अ लीफ ऑफ द प्लांट ये जो पत्ता होता है ना प्लांट का ये वो है जो कि क्या हो गया है एक घड़े की शक्ल का बन जाता है और पौधों को जो है ये एक जो इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट करके पौधों को देता है ये एक्चुअल में इसलिए होता है कि इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये पौधे जो हैं वो इंसेक्ट को खा जाते हैं ठीक है तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि अब प्लांट नेम क्या है नेपेंथस ट्रैप है और इसको पिचर प्लांट भी कहा जाता है हिंदी में घटपर्णी कहा जाता है ये पौधा मेघालय में पाया जाता है मोस्टली और ये एक कार्निवोरस प्लांट है अर्थात मांसाहारी प्लांट है और ये प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो उसकी लीफ होता है ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि नेप बहुत इम्पॉर्टेंट इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और आगे हम देखते हैं इसी तरह का एक और प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप इट इज़ ऑल्सो अ कार्निवोरस प्लांट ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है आप इसमें देख सकते हैं कि आपको दो पिक्चर्स शो हो रहे हैं एक में दिखाया गया है कि गमले में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं और दूसरा जो है उसमें आपको सिंगल आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं आराम से तो इसमें जो है जो गमले में लगा हुआ है देखिए इसकी साइज आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि किस साइज का ये पौधा होता है ठीक है और इसमें जो है ट्रैप देखिएगा इसके नाम के साथ भी एक ट्रैप शब्द जुड़ा हुआ है ठीक है वीनस फ्लाई ट्रैप ट्रैप का मतलब वही होता है पकड़ इसमें भी आपका ट्रैप है जिससे कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर आपको ग्रीन लीफ वाला दिखाई दे रहा है ये भी लीफ है प्लांट का ठीक है इसमें भी आपको मैं क्लियर कर दूँ इट इज़ ऑल्सो द लीफ ऑफ प्लांट ठीक है ये फ्लार नहीं है तो इसमें आप देख सकते हैं कि अंदर एक इंसेक्ट जो है वो फंसा हुआ है और उसकी जालियाँ बंद है तो ये इस तरह से जो अट्रैक्ट करते हैं फ्लाइज वगैरह जो भी होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं इनको क्या करते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं और अपने ट्रैप के अंदर बंद कर लेते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं वॉट डू यू वॉरी वॉट डू वीनस फ्लाई ट्रैप ईट वीनस फ्लाई ट्रैप क्या खाते हैं ठीक है वीनस फ्लाई ट्रैप ईट्स एनीथिंग ये कुछ भी खा सकते हैं ठीक है ये कुछ भी खा सकते हैं मतलब किसी भी तरह का जो स्मॉल इनफ उसके ट्रैप में आ जाए ऐसा नहीं कि अब ये तो है छोटा सा अब आप सोचेंगे कि ये चूहा भी खा लेगा तो ये चूहा नहीं खा पाएगा क्योंकि इसका ट्रैप देखिए साइज उतना बड़ा नहीं है तो मोस्टली क्या है ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होंगे ना उनको ही खा पाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है इसके पास ठीक है खा तो लेता लेकिन ये स्पेस इसके पास नहीं है बट जो हमारा पिचर प्लांट है उसके पास इनफ स्पेस है वो काफ़ी बड़ा साइज में होता है जिसके कारण कि वो बड़े एनिमल्स को भी मीन्स चूहे तक के साइज के एनिमल्स जो है उनको भी वो खा सकते बट इसका ट्रैप जो है ये छोटा होने के कारण ओनली इंसेक्ट टाइप के जो आइटम्स होंगे वही खा सकता है ये अवीनस फ्लाई ट्रैप इट्स एनी थिंग एंड एवरी थिंग स्मॉल इनफ टू फिट विद इन इट्स ट्रैप जो इसके ट्रैप में आ, मतलब फिट हो जाए उतना तक ये खा सकता है दिस यूजली इंक्लूड्स बर्ग लाइक बीटल्स स्पाइडर्स एंड एंड्स बट इट विल क्लोज ऑन एनी थिंग इट कैन कैच इंक्लूडिंग स्मॉल फ्रॉक्स एंड ह्यूमन फिंगर्स तो ये मैंने एक जगह पिक्चर देखी थी इसकी एक वीडियो देखा था एक्चुअली तो इसमें जब हम इस प्लांट के पास अपनी उंगली लेकर के जाते हैं ना तो ये हमारी उंगली तक को फंसा लेता है अपने ट्रैप में तो आ, कभी आप लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा तो आगे मैं कभी वीडियो आप लोगों को इसका शेयर करूंगी तो ये बहुत अनोखी चीज़ है कि अगर हम इसके पास अपनी फिंगर्स लेके जाते हैं तो ये हमारे फिंगर्स को भी पकड़ने की कोशिश करता है और छोटे छोटे जो फ्रॉक्स होते हैं इनको खा सकता है बीटल्स को खा सकता है आ, स्पाइडर्स मतलब मकड़ियों को खा सकता है चीटियों को खा सकता है और बहुत सारे जो बर्ग्स अलग अलग होते हैं छोटे छोटे जो साइज में होते हैं उन सभी को ये खा सकता है इट इज़ ऑल्सो अ कार्निवोरस प्लांट ठीक है तो इसके बारे में आप लोगों को अब पता चल गया यहाँ तक सबको क्लियर है कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं और एक और है प्लांट जो आज आप लोगों का होमवर्क है आप लोगों को आज एक होमवर्क दे रही हूँ मैं कि एक और है प्लांट जिसका नाम है सन ड्यू प्लांट ठीक है एस यू एन सन डी ई डब्ल्यू ड्यू सन ड्यू प्लांट इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है पता करना है कि ये प्लांट क्यों यूनिक प्लांट के उसमें आ जाता है ठीक है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप इसी तरह से एक सन प्लांट है जिसके बारे में आ, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि, कि किस किस ने होमवर्क किया है और क्या पता किया है उसके बारे में तो आप लोगों को इसके बारे में पता करना है कि सन ड्यू प्लांट की क्या क्या खास बातें होती है वर्ड टू वर्ड मतलब वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है क्या खासियत है उसमें दो तीन मेन पॉइंट्स आपको पता करने हैं और ये आज आप लोगों का होमवर्क है ये होमवर्क आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को दे रही हूं आशा करती हूं कि आप सभी होमवर्क जरूर करेंगे तो आप लोगों को पता करना है कहीं लिख लीजिए सन ड्यू प्लांट ठीक है इसके बारे में आपको पता करना है ओके यहां तक क्लियर है आगे बढ़ जाते हैं हम तो आगे हम देखेंगे खेजड़ी प्लांट ये देखिए खेजड़ी ट्री सॉरी खेजड़ी ट्री ये जो भी आपको मैं प्लांट्स और ट्रीज दिखा रही हूँ ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और हमारे सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे गए भी हैं इसलिए मैंने इनको खास इंक्लूड किया है तो इसको आप एक भी मिस मत करिए सारे इम्पोर्टेंट हैं ठीक है द खेजरी ट्री आर फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया तो आप समझ ही गए होंगे इंडिया में ये कहाँ मिलता होगा ये मोस्टली राजस्थान में मिलता है क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में उगने वाला पौधा होता है पेड़ होता है इट डज़ नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो आपको पता ही है कि जो प्लांट्स या ट्रीज डेजर्ट में होते हैं वो बहुत लेस वाटर बहुत कम पानी में भी अपना सर्वाइव कर जाते हैं जिंदा रह जाते हैं तो उन्हीं में से ये एक है खेजड़ी प्लांट इसको बड़ा ध्यान से आप देखिएगा कि प्लांट हैव वे मेडिसिनल वैल्यू बार्क इज़ यूज एज मेडिसिन एंड पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट एंड लीव वुड ऑफ दिस प्लांट इज़ नॉट अटैक बाय इंसेक्ट बहुत ही वहाँ का समझ लीजिए कि एक ऐसा पेड़ है जिसको वो कल्प वृक्ष भी कहते हैं कल्प वृक्ष वो होता है जिसके सामने हम जो मांग लें वो मिल जाता है तो ये कल्प वृक्ष की तरह है कि ये पूरा पेड़ ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किन लोगों के लिए जो डेज़र्ट में रहते हैं क्योंकि देखिए डेजर्ट का जो लिविंग uh, स्टाइल होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है डेजर्ट में जो लोग भी रहते हैं उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ की जो एटमोसफियर जो होती है वहाँ की जो वेदर कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि आपको वहाँ पे खेती वग़ैरह तो हो नहीं सकती क्योंकि सॉइल की कंडीशन वहाँ वो पूरा सैंडी है एरिया तो बहुत ज़्यादा आपको पेड़ पौधे इस तरह के मिलेंगे नहीं तो खाने पीने का भी वहाँ पे प्रॉब्लम तो रहती ही है और सबसे बड़ी मुश्किल है वहाँ पानी पानी की बहुत कमी रहती है तो ऐसे मतलब एक्सट्रीम जो एरिया होते हैं यहाँ पर एक तो लोगों का रहना भी काफ़ी कम होता है बहुत कम लोग रहते हैं बट जो रहते हैं उनको सर्वाइवल के लिए ये एक तरह से कल्प वृक्ष का काम करता है कल्प वृक्ष का काम इस तरह करता है कि खेजड़ी का जो ट्री होता है ये इसके जो मेडिसिनल वैल्यू हैं ये बहुत ज़्यादा हैं जो इसकी पेड़ की जो छाल होती है बार्क मतलब होता है पेड़ की छाल इसको मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है जैसे आपने यूज़ किया होगा घर में दालचीनी आप यूज़ करते होंगे मसालों में दैट इज़ ऑल्सो द बार्क ऑफ ट्री ये एक दालचीनी का पेड़ होता है जिसकी वो क्या होती है छाल होती है जिसको कि हम क्या करते हैं एज अ मसाला स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसी तरह से जो खेजड़ी प्लांट होता है खेजड़ी ट्री जो होता है ये जब थोड़ा ओल्ड हो जाता है जब काफ़ी समय बीत जाता है और इसके जो ट्रंक होते हैं जो तने होते हैं ये मोटे मोटे हो जाते हैं तो इनका जो ऊपर से बार्क निकलती है देखिएगा पुराने जो पेड़ हो जाते हैं उनमें से उसके ऊपर की छाल अपने आप अलग होने लगती है तो इसकी जो छाल होती है ना ये बहुत यूजफुल होती है और इससे कई तरह के मेडिसिन बनाए जाते हैं एंड पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट एंड लीव्स इसके पत्ते और फलों से भी क्या बनाया जाता है कई तरह का खाना पीना बनाया जाता है वहाँ के लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि आपको वो बार्क से मेडिसिन भी मिल रही है और पत्तों और फलों से क्या कर रहे हैं वो कुकिंग भी कर रहे हैं खाना भी बना रहे हैं वुड ऑफ दिस प्लांट इज़ नॉट अट्रेक्ट इंसेक्ट इसके जो लकड़ियाँ जो होती हैं इस पर कीड़ों का हमला नहीं होता है कि जैसे कि नीम का ट्री होता है नीम के जो लकड़ी होती है उस पर भी कीड़े नहीं लगते हैं ये आप सभी जानते हैं वो भी एक बहुत मतलब मेडिसिनल प्लांट की श्रेणी में आता है उसका तो हर एक पार्ट मेडिसिनल वैल्यू का है उसी तरह से ये भी है कि उसके जो लकड़ियाँ होती है जैसे कि नीम के पेड़ में जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें कीड़े नहीं लगते हैं उसी तरह से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि खेजड़ी ट्री ऑल्सो इसमें क्या होगा अटैक नहीं कर सकता है कोई भी इंसेक्ट इसमें कीड़े नहीं लगते हैं तो ये वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक कल्प वृक्ष के समान है वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्री है तो एक बार मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ इसके बारे में कि जो खेजड़ी ट्री है ये मोस्टली डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है और इसको उगने के लिए बहुत ही कम पानी में ये उग सकता है बहुत ही कम पानी में ये सरवाइव कर जाता है और इसके जो बार्क होते हैं मतलब इसकी जो छाल होती है इसको मेडिसिन बनाने में दवाइयाँ बनाने में यूज़ किया जाता है और जो वहाँ के लोग हैं जो लोकल लोग जो वहाँ के होते हैं स्थानीय लोग जो होते हैं वो इसकी पत्तियों और फलों से अपना भोजन बनाते हैं खाना बनता है सब्ज़ियाँ वगैरह बनाते हैं और इसकी जो लकड़ी होती है इसमें कभी भी कीड़े हमला नहीं करते हैं तो कीड़े हमला नहीं करते हैं तो इसकी लकड़ी को क्या यूज़ किया जा सकता है अगर कीड़े हमला नहीं कर रहे हैं तो आप आराम से उसकी लकड़ी के फर्नीचर्स बना सकते हैं ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है जो ऊपर की झाड़ियाँ वगैरह हैं वो उनके एज़ अ फ्यूल मतलब जलावन के काम आ जाएंगी ईंधन के रूप में और जो उसका मोटा तना रहता है जब एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है पौधा तो उसका जो मोटा तना है उसको ये यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का फर्नीचर बनाने के लिए ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर है अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही है तो भी मुझे बताएं और अगर क्लियर आ रही है तो एक थम्सअप शो कर दें जिससे मुझे पता चले क्योंकि वेदर कंडीशन आज भी यहाँ पे बहुत ही ख़राब है बहुत बारिश हो रही है हैवी रेन चल रहे हैं यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुँच रही है या नहीं इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के भेज सकते हैं ठीक है मैं दोबारा वो टॉपिक ले आऊँगी कोई इशू नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ के और प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं इसको बड़े ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आप समझ के रखिए देन है हमारा बेनियन ट्री अब बेनियन ट्री ऐसा ट्री है जिसको कौन नहीं जानता एक अगर इंडियन लेडी से आप पूछेंगे तो वो सबसे पहले यही बताएगी कि ये बरगद की तो हम पूजा करते हैं जब वट सावित्री की पूजा होती है तो इसको जो ये वृक्ष होता है बरगद का इसकी पूजा की जाती है धागे बांधे जाते हैं कलावा और इनके चारों ओर घूम के पूजा की जाती है जो सुहागन स्त्रियां होती हैं ये पूजा करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा देखिए ये पुराने समय में जो लोग मान्यता मान रहे थे इसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि साइंटिफिक रीज़न है ही वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है ओके मैं देखती हूँ चेक करती हूँ तो देखिए जो बेनियन ट्री है उसकी जो आ, रूट्स होती हैं वो हैंग करती हैं आप देखेंगे कि आ, जो पुराने पेड़ हो जाते हैं उसमें से उसके जो आ, जो रूट्स होते हैं वो डालियों से लटकने लगते हैं और जब बहुत ही पुराना हो जाता है पेड़ और वो डालियों से लटक लटक के जब नीचे आने लगते हैं तो क्या होता है कि वो जड़ें नीचे ज़मीन को टच करने लगती हैं इवन यहाँ तक हो जाता है कि वो जो जड़ें नीचे ज़मीन पर टच करने लगती है वहाँ पर भी वो क्या करने लगता है ग्रो करने लगता है तो कई जगह आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े बेनियन के ट्री लगे होते हैं तो उनकी जड़ों को नीचे से कटिंग कर दी जाती है वो इसीलिए की जाती है जिससे कि वो नीचे तक ना जाएं और नीचे और ज़्यादा ना फैलें क्योंकि अगर जैसे क्या होता है कभी कभी हम देखते हैं कि रोड साइड में कोई ट्री है और अगर हम उसकी जड़ों को ट्रिमिंग ना करें ना तो वो पूरा रोड साइड पूरा कवर कर लेगा तो आपको वहाँ से जाने की भी जगह कुछ सालों के बाद नहीं मिलेगी तो वो क्या करते हैं जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे कि चौपाटीज़ वगैरह होती है तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि एक बरगद का पेड़ उसके चुटी -चुटी है उसके चारों ओर कोई छोटी छोटी दुकानें लगी हैं चौपाटी लगी है तो उसको कटिंग करके रखते हैं कि किनारे एक चबूतरा सा बना के रखते हैं वो इसीलिए होता है कि उसके चारों ओर क्या होता है वो जो जड़ें हैं वो ज़मीन से अगर टच हो जाएंगी तो वो वहाँ पर भी क्या होंगी फैलने लगेंगी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्री है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला ट्री यही होता है जितने भी ट्री हैं इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमको बरगद का पेड़ ही देता है बरगद के पेड़ की जो जड़ होती हैं वो मैंने आपको बताया कि नीचे तक लटकती हैं और खंभों की तरह इसको क्या करती हैं सहारा देती है पिलर्स की तरह एक ब्रांचेस जो है वो प्रोवाइड सपोर्ट लाइक अ पिलर पिलर की तरह उसको क्या करती है सपोर्ट करती है क्योंकि इसकी डालियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं और पत्ते आप देख सकते हैं और इसके फल भी आप देख सकते हैं तो देखिए इसके फल जो हैं वो एनिमल्स खाते हैं और पत्तियाँ कई जगह पत्तियों से पत्तल बनाए जाते हैं पूजा वगैरह में भी यूज़ किया जाता है इनके पत्तों को फलों को और अलग अलग मान्यता के हिसाब से और ये मैंने आप लोग को बताया कि जो साइंटिफिक कई सारे रीज़न हम अब जान गए हैं ये हमारे जो पूर्वज थे उन्हें इतने साइंटिफिक रीज़न तो नहीं मालूम थे लेकिन फिर भी जो भी वो जानते थे उस हिसाब से वो क्या करते थे इनकी पूजा करते थे पूजा करने का रीज़न यही है कि ये हमारे लिए जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? देव हैं देवतुल्य हैं भगवान के समान माना जाता था और ये हम आप सभी जानते हैं कि एवरी ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस हर एक पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है है ना क्योंकि अगर हम पेड़ों को इस तरह से कटाई करते जाएंगे तो वो जो लॉस है वो कभी लॉस हम भर नहीं सकते बल्कि हमारे जीवन में वो जो अंधेरा ला देगा उस अंधेरे को हम कभी उजाले में नहीं बदल पाएंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग आज हो रही है वो इसी कारण है कि हमने क्या कर दिया है पेड़ों को काटना और बर्बाद करना शुरू कर दिया है तो ये एक ऐसा पेड़ है बरगद का जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और इसकी जो ट्री की रूट्स होती हैं ये हैंग होती है ज़मीन तक पिलर तक की तरह सपोर्ट करती हैं पेड़ को और इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही अंदर तक ज़मीन में फैली होती हैं इसको भी अगर ये एक अच्छा बड़ा ट्री है तो इसको कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि वैसे तो मोस्टली जैसे बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं मैंने आपको बताया भी था कि ये सॉइल में काफ़ी डीप तक चली जाती हैं इनकी जो रूट्स होती हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गहरे तक चली जाती हैं और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है इवन वहाँ तक पहुँच जाती हैं और उनको पानी की दिक्कत गर्मियों में भी ऐसा नहीं होता कभी आपने देखा नहीं होगा कि गर्मियों में हम बड़े बड़े पेड़ों को पानी डाल रहे हैं वो सरवाइव कर जाते हैं क्यों कर जाते हैं क्योंकि उनको अंडरग्राउंड जो वाटर है वो मिलता रहता है सूखते वही पौधे हैं जिनकी जो बड़े कम होते हैं छोटे छोटे जो पौधे है होते हैं क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं उस हद तक अंडरग्राउंड नहीं पहुंच पाती हैं तो उनको हमको पानी डालना पड़ता है तो इसकी जड़ें भी जो है ज़मीन में बहुत अंदर तक जाती हैं ये आप सभी को क्लियर हो गया है आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्लांट देखते हैं और ट्री कौन सा है अब ये डेजर्ट ओक जो है इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि ये बरगद का पेड़ है और इसमें कन्फ्यूज़न करने वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बरगद का पेड़ अलग है और डेज़र्ट ओक अलग है ठीक है आ, इंडियन आप देखे होंगे अच्छे से पहचानते होंगे कि जो बरगद का पेड़ है वो कैसा होता है इस पर जड़ें लटकती हैं इसके फल मैं आपको दिखा चुकी हूँ आपने लास्ट जो पीपीटी थी उसमें आपने देखा है और इसके पत्ते भी आपने देखे हैं लेकिन ये जो डेजर्ट ओक है ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये कौन से एरिया में कहाँ पाया जाता है तो डेजर्ट ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पेड़ है तो इसको भी ज़रूर ध्यान से इसकी एक एक पॉइंट को नोट करिएगा अगर आप नोट करना चाहते तो बिल्कुल शॉर्ट नोट आप तैयार करते जाइए साथ साथ और बाकी नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे जो कि डिटेल्ड नोट होंगे ये आपको शॉर्ट नोट के लिए काम आएंगे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ है ना बट डिटेल्ड जो आपको चाहिए वो मिल जाएंगे आपको नोट्स ठीक है तो आप साथ साथ क्लास के अगर नोट करते जाएंगे मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप क्लास के साथ साथ थोड़ा सा नोट डाउन करने की आदत डालें अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है नोट करना तो एक डायरी और पेन ले लीजिए एक अलग से अपनी कॉपी बनाइए या डायरी बनाइए उसमें आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स ज़रूर नोट करिए ये जब आप एग्ज़ाम के समय जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होगा तो जो आप रिवीजन करेंगे ना उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स और सॉलिड पॉइंट्स रखे हैं ये आपके बुलेट पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं और इसमें जो मेन मेन इनके पॉइंट्स हैं वो मैंने डाल रखे हैं ठीक है तो डेजर्ट ओक अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया कहाँ मिलता है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है इसको बिल्कुल याद रखिएगा भूलिएगा नहीं इट ग्रोज अप टू हाइट ऑफ ट्वेल्व टू फिफ्टीन फीट अबव द लैंड एंड रूट ऑफ दिस प्लांट गो डीप इन साइड टिल दे रीच वाटर इसकी जो हाइट होती है ये 12 टू फिफ्टीन फ़ीट होती है काफ़ी अच्छी हाइट है आप समझ ही रहे हैं कि ट्वेल्व टू फिफ्टीन जो हाइट है फिफ्टीन फीट की हाइट जो है ये काफ़ी अच्छी हाइट है आपकी और ये जितना ऊपर जाता है जितना ऊपर ये लंबा होता है डीप में भी इनकी जो जड़ें हैं वो मतलब करीब करीब मैंने जो पढ़ा है इसमें नोट नहीं है बट मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से करीब करीब डबल मतलब 30 से 35 फीट नीचे तक ज़मीन में इसकी जो जड़ें हैं वो जाती हैं कहाँ तक जाती हैं जो हमारा वाटर लेवल होता है अंडरग्राउंड वहाँ तक ये पहुँचती है तो इसकी भी जड़ें जो है ये पेड़ जितना ऊपर है उससे कहीं नीचे तक इसकी जड़ें जाती हैं और इस पेड़ में आपको लग रहा होगी ऐसी क्या ख़ास बात है ऐसे तो सब पेड़ होते हैं जिन जो ऊपर से बहुत हाइट नहीं होती है लेकिन जड़ें उनकी अंडरग्राउंड जाती हैं तो इस पेड़ की खासियत ये है कि इसमें वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और ये बहुत सारा वाटर अपने अंदर स्टोर करके रखता है बट कहाँ करके रखता है अपने ट्रंक में अपने तने में इसकी जो तना होता है उसके अंदर ये बहुत सारा वाटर स्टोर करके होल्ड करके रख सकता है तो पानी जब नहीं गिरता है जब बरसात का मौसम नहीं होता है गर्मी का मौसम होता है तो ये आराम से क्या करता है सर्वाइव कर लेता है और इससे भी ज़्यादा स्पेशल इस बात इसमें यह है कि सम टाइम लोकल पीपल ऑल्सो यूज दिस स्टोर्ड वाटर टू ड्रिंक पाए प्लेसिंग थिन पाइप इन ट्रंक देखिए ये बड़ी अजीब बात है और मुझे लग रहा है कि मुझे भी ये पेड़ कभी देखने मिले कभी वहाँ जाना हो तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं जो लोकल जो लोग हैं वो इस जमा पानी को पीने के लिए इसमें पतली पतली पाइप लगा करके और उसके तने से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सॉरी ऐसा ट्री है जिसके तने से आप क्या कर सकते हैं पानी निकाल के पी सकते हैं तो ये इसकी स्पेशलिटी है और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि डेजर्ट ओक अट्री अट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इट ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 12 टू 15 फीट अबव द लैंड एंड इनसाइड कितना जाता है इसका रूट 30 फीट टू 35 फीट तक जाता है ओके okay? एंड रूट ऑफ़ दिस प्लांट गो डीप इन साइड टिल दे रीच वाटर जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाता उसकी जड़ें नीचे को बढ़ती जाती हैं ट्रंक ऑफ दिस प्लांट हैज़ कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इसका जो तना होता है इसमें वाटर स्टोर uh, करके रखने की ताकत होती है सम लोकल पीपल ऑल्सो यूज दिस स्टोर वाटर टू ड्रिंक पाइप प्लेसिंग थिन पाइप इन ट्रंक तो समझ रहे हैं आप लोग कि वहाँ पर पतली पाइप लगा करके लोग इसके पानी को पीने में इस्तेमाल में लेते हैं और आप इसके पत्तियों को अगर पास से देख पा रहे हैं जैसा मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है एक बड़ा ट्री आपको दिख रहा है और देखिए इसकी जो पत्तियां हैं ना ये पतली पतली आप देखेंगे कि एक निडल शेप की सुई के शेप की इसकी देखिए पत्तियां हैं तो इसमें आप बहुत आसानी से अंतर, अंतर कर सकते हैं कि डेजर्ट ओक और बरगद के पेड़ में जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी कई बार इस तरह का कन्फ्यूजिंग पूछता है तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपका बरगद का पेड़ है उसमें से जड़ें लटकती है उसके ट्रंक में पानी स्टोर नहीं होता है उसकी जड़ें भी बहुत ज़मीन के अंदर तक जाती हैं इसकी भी जाती हैं बट जो डेजर्ट ओक है इसके तने में पानी स्टोर होता है इसकी पत्तियाँ निडिल शेप की होती हैं मतलब सुई के आ, आकार की या सुई की तरह की होती है सुई के शेप की होती हैं ठीक है और इस पर पतली पतली पाइप लगाकर लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके फल भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा बरगद का फल था वो अलग था और इसका फल का देखिए शेप बिल्कुल ही डिफरेंट है तो इस तरह से आप ये अंतर कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और अवनी जी ने लिखा है कि पीपल और नीम देते हैं ऑक्सीजन देते हैं यस पीपल और नीम ऑक्सीजन देते हैं बहुत सही आप लोग आंसर भी दे रहे हैं बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग साथ साथ ज्वाइन करते हैं और रिप्लाई करते रहते हैं आर्या जी आज हमारे एक साथ एक न्यू मेंबर्स जुड़ी हैं कि विच ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन इन नाइट यस जो uh, उन्होंने आंसर किया है आर्या जी ने क्वेश्चन किया था कि विच ट्री प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन नाइट तो यस yes, ये राइट right है आंसर कि पीपल और नीम जो है उसको इसीलिए बहुत ज़्यादा माना जाता है कि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं और वो नाइट में भी ऑक्सीजन देते हैं जबकि कहा जाता है ना कई बार आपने सुना होगा एक ये हंसी वाली बात आपको लगेगी सुनने में कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे बुजुर्ग थे वो हमारे घर में बोला करते थे कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है रात में पेड़ में भूत होते हैं तो इस तरह से बच्चों को डराया जाता था और घर का कोई मेम्बर ऐसे पेड़ के नीचे सोता भी नहीं था क्योंकि जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो रात में आ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं छोड़ते हैं जिस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं अगर हम पेड़ के नीचे सोएंगे तो हमको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हमारी बॉडी में इसलिए इन पेड़ों के नीचे कभी भी सोया नहीं जाता है बड़े पेड़ों के नीचे रीज़न ये है साइंटिफिक बट बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक अपने तरह से उनको बताते थे कि मत सो उसके नीचे लेकिन इसका अगर हम साइंटिफिक रीजन देखें तो वो यही है कि रात में भी वो ऑक्सीजन नहीं देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं जिसके कारण हमको अगर हम वहाँ आसपास में रहते हैं या सोते हैं तो हमें अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ न्यू मेम्बर्स जैसे आर्या जी हमारे साथ आज न्यू जुड़ी हैं तो बिल्कुल इसी तरह जुड़ते रहिए हमारे साथ और आप लोग टीचर हैं आगे भविष्य में टीचर बनेंगे तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी जैसे क्या होता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम तो बस पास करना है एग्ज़ाम किस तरह से हम पास होकर निकल जाते हैं तो ये फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए मन में आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से डीपली पढ़ें क्योंकि आगे चल के आपको बच्चों को ये पढ़ाना भी है तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप बच्चों को कैसे क्लियर करेंगे सिर्फ एग्ज़ाम पास करना आपका मोटो नहीं होना चाहिए बल्कि आपको अपने नॉलेज गेन करने का रास्ता देखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक डीपली क्या नॉलेज ले सकते हैं बहुत सी चीज़ें मुझे भी आप लोगों से पता चलेगी ऐसा नहीं है मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ और हमेशा जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से भी एवरी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं तो हम टीचर्स हैं हमें जहाँ से भी सीखने का मौका मिलता है नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है तो हमको ज़रूर इस मौके को ग्रैप कर लेना चाहिए तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ये जो आप कमेंट करते रहते हैं और कुछ कुछ आंसर्स बताते रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है कि देट यू मैम माई पॉइंट इज़ क्लियर यस आर्या जी को क्लियर हो गया पॉइंट नाइस nice, आप रिप्लाई कर रही हैं वो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रिप्लाई करती जा रही हैं साथ साथ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ई मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई पूछेगा तो मैं ई ही बोलूंगी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ई ही लगता है पढ़ने में क्योंकि इसमें इतना कुछ है पढ़ने को और जो बहुत मज़ेदार भी होता है जो भी नेशनल जियोग्राफी के एनिमल प्लानट्स वगैरह चैनल देखते हैं उनमें भी आप देखेंगे कि वहाँ भी इतनी सारी चीज़ें वो बताते हैं जो रिलेटेड रहती हैं हमारे एनवायरनमेंट से है ना तो मुझे वो चैनल भी बहुत अच्छा लगता है देखना क्योंकि हमको बहुत सारी नॉलेज जो है मिलती रहती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ये केले का जो है पेड़ इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ एक बार फिर से ये इसलिए बता रही हूँ कि इसके बारे में भी पूछा जाता है केले का जो हम बोलते हैं ना केले का पेड़ बट केले को एज अ प्लांट इसको माना जाता है इसको एक पौधा माना जाता है झाड़ीदार पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और मैंने ये बताया था कि इसको कम्प्लीट uh, ग्रो होने में और फल देने में करीब करीब दो साल का टाइम लग जाता है एक साल हम इसको लगाते हैं तो ये प्रॉपर ग्रो करता है और एक आठ दस महीने ग्यारह महीने का टाइम इसको लगता है देन फिर इसमें जो है फ्रूट वग़ैरह इसमें लगना शुरू होते हैं और जब एक बार इस पेड़ में फल लग जाता है तो फिर ये दोबारा से उसमें फल नहीं देता है उस तने को काट दिया जाता है और नीचे जो इसके घेरे लगे रहते हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें बहुत सारे केले के पेड़ आप देख सक रहे हैं तो ये जो पेड़ हैं इनमें घेर घेर से लग जाते हैं नीचे में जैसे हमने एक अगर उसमें से तना काट दिया तो उसके साइड से और उगाते हैं तो इस तरह से इनका क्या होता है प्रोपोगेशन होता रहता है इनकी बढ़त होती रहती है इसका ऐसा नहीं होता कि हम डाल काट के और लगा दें नहीं ये साइड साइड से निकलते रहते हैं इसके और नए नए पौधे और जो पेड़ में फल एक बार पौधे में फल एक बार लग गया उस पेड़ को या पौधे को काट दिया जाता है क्योंकि उसमें दोबारा फल नहीं लगते हैं तो इस तरह से जो केले का पौधा होता है देखिए प्लांट ऑफ बनाना इस श्रब देखिए झाड़ियों सा हो जा रहा है पूरा स्पेस कवर कर ले रहा है एंड इट्स स्टेम इज वीक इसकी जो स्टेम होती है जो इसका तना होता है ये काफ़ी वीक होता है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है कवरिंग सी होती है एक के ऊपर एक के ऊपर कवरिंग होती है जो लोग भी देखे होंगे वो बिल्कुल जानते होंगे कि एक बनाना का जो प्लांट होता है वो किस तरह का होता है तो बोथ फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ बनाना इज इटन देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बनाना के जो फ्लावर होते हैं उनको भी खाया जाता है पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड जॉब का पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक फ्लार है वो बनाना का इसी तरह से होता है और अगर हम इसको तोड़ते नहीं हैं तो इसी में बनाना फलना शुरू हो जाता है फिर धीरे धीरे ये ग्रीन कलर में आ जाता है और देन फिर येलो हो जाता है तो इसका जो पार्ट होता है अगर हम देखें तो इसके फ्रूट को और इसके फ्लावर दोनों को ही खाया जाता है और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड है इंडिया का वहाँ पे कई जगहों पे इसके जो तना होता है बीच का जो स्टेम होता है ना उसका बिल्कुल सेंटर पे गोल सा रहता है तने के अंदर में ही उसकी कवरिंग हटाते जाएंगे तो उसको भी कई जगह सब्जी बना करके खाया जाता है उड़ीसा बंगाल इधर मैंने सुना हुआ है और मैंने टेस्ट भी किया है उसकी सब्ज़ी तो इसकी सब्जी भी बनती है तो ये भी खाने के उसमें होता है खाया जाता है और जो केले के पत्ते होते हैं इन पर तो हम खाना रख के खाते ही हैं ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उसमें कुछ तरह के इस तरह के हमारे गुड केमिकल्स हमको रहते हैं जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देते हैं ठीक है तो ये केले के बारे में आप लोग को एक शॉर्ट में बता दिया क्योंकि लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में आगे मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माई क्योंकि ये मधुबनी आर्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा अगर कोई आर्ट पसंद आती है तो दैट इज़ मधुबनी आर्ट तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि जो मधुबनी आर्ट होता है वो किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है और ये हमारा रिलेटेड टू प्लांट चैप्टर है जिसमें प्लांट्स के बारे में हम कई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि ये प्लांट के साथ हमारा मधुबनी का जो है ये साथ में बिल्कुल मैच करेगा क्योंकि इनमें जो कलर्स का यूज़ किया जाता है वो बेसिकली जो प्लांट से हमको कलर्स मिलते हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है ठीक है तो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में मिथिला आर्ट या मधुबनी आर्ट देखिए आप बिहार साइड जाएंगे तो वहाँ मधुबनी एक जगह है जिसके नाम पे इस आर्ट का नाम पड़ा है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं इस आर्ट को बहुत ज़्यादा अपने घरों में आसपास में पूजा पाठ में घरों को सजाने के लिए पूजा के लिए इसको किया करते थे और ये आज एक फेमस आर्ट के रूप में हमारे सामने है ऐसे तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म अलग अलग जगह भी हैं गोंड आर्ट है आपका वारली आर्ट है ऐसे बहुत सारे आर्ट्स हैं तो मधुबनी आर्ट के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसको मिथिला आर्ट भी कहा जाता है मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है तो कंफ्यूज इसमें भी मत होइएगा ये, ये सब कंफ्यूज करने वाले ही क्वेश्चन हैं इसमें क्या होता है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मधुबनी आर्ट और मिथिला आर्ट में क्या अंतर है कोई अंतर नहीं है दोनों सेम होते हैं तो ये जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं ना ये हटाते जाइए अपने साथ साथ इसको कहीं आप नोट डाउन साथ साथ करते जाइए जिससे कि आपको किसी तरह का भी एग्जाम के टाइम में कन्फ्यूज़न ना हो तो मिथिला पेंटिंग इज़ अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ द इंडिया एंड नेपाल तो ये इंडिया में भी चलता है और नेपाल में ये दोनों जो हमारे इंडिया के जो है मोस्टली बिहार साइड में अगर देखेंगे तो ये मिथिला आर्ट जो है प्रचलन में है क्योंकि वहाँ का एक मधुबनी एरिया है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है और नेपाल में भी ये आर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है जो लोकल्स होते हैं वहीं से कोई भी आर्ट फॉर्म आपका निकल करके आता है तो ये इंडिया और नेपाल में आ, प्रचलित एक शैली है आ, आर्ट की कला की एक शैली है ठीक है आर्टिस्ट क्रिएट दिस पेंटिंग्स यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मीडियम इसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है इंक्लूडिंग देयर ओन फिंगर्स और ट्विक्स ब्रशेस निप पेंस एंड मैचस्टिक द पेंट इज़ क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट्स देखिए इसमें वहाँ के जो आप कभी भी लोकल अगर कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जो दुकान से ख़रीद के लाएँ लोकल जो भी आप चीज़ें देखेंगे आ, खासकर जो आर्टिस्टिक चीज़ें होंगी वो अपने हाथों से बनाते हैं उन चीज़ों को या आसपास में अगर उनको कोई पौधों का लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है तो वो चीज़ें वो यूज़ करते हैं तो ऐसी चीज़ जो आसानी से उनको ईज़ीली मिल जाती हैं प्रोवाइड हो जाती हैं उन चीज़ों को वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं तो ये भी उसी तरह का है कि जो वहाँ के जो ये बनाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं इस तरह की पेंटिंग बनाने वाले जो लोग होते हैं कलाकार जो होते हैं वो अपनी फिंगर्स को भी यूज़ करते हैं टहनियाँ लकड़ियों की जो डालियाँ होती है पौधों की उन डालियों को पतली पतली डालियों को ब्रश के रूप में यूज़ करते हैं और अलग से ब्रश लेके आजकल तो ब्रश वग़ैरह यूज़ होने लगे हैं और निप पेन वगैरह का इस्तेमाल होता है यूज़ होता है माचिस की तीलियों का उपयोग होता है और कई तरह के माध्यम से वो क्या करते हैं चित्रों को बनाते हैं मतलब पतली कोई चीज़ उनको चाहिए जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने समय में लिखने के लिए पंखों का यूज़ किया जाता था पंखों को इंक में डुबाया जाता था फिर वो थोड़ा सा लिखते थे फिर डुबाते थे फिर लिखते थे और जो पुराने समय में जो बच्चे कई पढ़े होंगे जो थोड़े एज के ज़्यादा होंगे वो निप पेन यूज़ किए होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि निप पेन हम यूज़ किया करते थे जब अपने स्कूल में थे तो उसके अंदर इंक भरनी पड़ती थी एक इंक पॉट आता था और उसको भरनी पड़ती थी फिर उसको टाइट करना पड़ता था पेन को फिर हम चलाते थे अब तो बॉल पेन आ गए हैं बहुत तरह के जेल पेन आ गए हैं बच्चों के लिए बहुत ईजी हो गया है पहले तो हमारे हाथ और कपड़े इंक से ही सने रहते थे तो वैसे ही इसी तरह से देखा जाएगा कि ये जो शैली है बनाने की एक कला की जो शैली है ये पहले के लोग जो हैं ये उंगलियों से टहनियों से ब्रश इस तरह से धीरे धीरे क्या होता गया है इसमें मॉडिफ़िकेशन होता गया अपडेशन होता गया है और पहले जो टहनियों का यूज़ करते थे अब ब्रशेज़ वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं तो थोड़ा सा और निखार आ जाती है पेंटिंग में क्या हो जाती है और शार्पनेस आ जाती है सुंदरता थोड़ी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखता है तो निप पेन का यूज़ करते हैं माचिस की तिलियों का यूज़ करते हैं ऐसे कई तरह से वो यूज़ करके इसको बनाते हैं लेकिन बात अभी आती है कि ये रंगों को कैसे बनाते हैं पेंट जो है लिखा है पेंट जो है वो प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट का उपयोग करके बनाया जाता है तो पेंट में इसमें यूज किया जाता है जो हम कपड़े में नील डालते हैं वो नील डाल करके नीला रंग यूज किया जाता है पैरों में जो आलता लगाते हैं उन रंगों को डाल करके लाल रंग क्रिएट किया जाता है और थोड़ा सफेद उसमें कैसे हम मिलाएंगे तो जो चावल का आटा होता है जैसे चावल को रात भर भिगो के रखा जाता है और उसको पीस लिया जाता है सुबह और फिर वो जो चावल का आटा होता है वो एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है उसमें और भी रंगों को मिला करके जैसे मैंने आपको बताया कि नील मिला करके नीला रंग तो अगर ज़्यादा नील मिलाएंगे तो डार्क ब्लू हो जाएगा हल्का मिलाएंगे तो लाइट ब्लू रहेगा इस तरह से वो शेड्स बनाते हैं पीले रंग के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं हरे रंग के लिए कई तरह के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं ऑरेंज कलर के लिए फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग तरह का यूज़ वो करते रहते हैं ठीक है तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया जाता है और हाँ आपको मेरी आवाज़ सबको आ ही रही होगी कोई किसी को भी कोई दिक्कत होती है आवाज़ में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्योंकि वेदर कंडीशन इज़ नॉट गुड सो हो सकता है कि थोड़ी मेरी आवाज़ हो सकता है ब्रेक हो रही हो आ, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज करिएगा अगर कोई दिक्कत आती है तो तो जो मधुबनी कला है ये बहुत ही प्रचलित कला है मधुबनी में और इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि किस किस तरह के आ, मतलब चीज़ों को यूज़ किया जाता है आ, मतलब पिक्चर किस किस चीज़ों की बनाई जाती है तो इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको बनाया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में कि राधा कृष्ण आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ ये ह्यूमन हो गए आपके मतलब इंसानों को दिखाया गया है एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे हिरण दिखाई दे रहे हैं आपको मोर मतलब बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसके बाद आप एक ट्री देख सकते हैं और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं लीफ हैं तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम क्या करते हैं पिक्चर में डाल देते हैं मतलब उनकी जो कला है वो कला में इन चीज़ों को लेते हैं किन को लेते हैं ह्यूमंस को लेते हैं एनिमल्स लेते हैं बर्ड्स लेते हैं ट्रीज़ लेते हैं प्लांट्स फ्लावर्स इस टाइप की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है उसके बाद कई जगह देवी देवताओं की भी जो है वो पोर्ट्रेट जैसे बनाई जाती है सूर्य देव को दिखाया जाता है कहीं लक्ष्मी जी को देखा ऐसे कई तरह के भगवानों को भी इसमें शामिल किया जाता है कृष्ण जी आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बाद कहीं कहीं पे जैसे शादी का माहौल है तो वहाँ पे जैसे शादी में लोग लेकर के जाते हैं डोली लेके जा रहे हैं तो उस टाइप का क्रिएशन आपको दिखाएंगे और अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं जो कि हमारे आसपास से ही रिलेट करती हैं तो इस तरह से जो मिथिला पेंटिंग है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आप जरूर इसको एक बार देख के जाइएगा और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है ये ध्यान रखिएगा और जो वहाँ ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि मधुबनी आर्ट और मिथिला पेंटिंग जो है अलग अलग है बोथ आर सेम दोनों एक ही चीज़ हैं नाम अलग अलग दिए हैं लेकिन है एक ही चीज़ ठीक है तो यहाँ तक आप सभी को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा और एक और इसकी पहचान है कि ये बहुत ही कलरफुल होता है ठीक है ना बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है जैसे जिन लोगों ने वारली आर्ट देखी होगी तो वो ज़्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता है क्योंकि वो चावल के आटे को करके उस तरह से ट्रायंगल शेप में मैं कभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वो भी तो उसमें ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं होते हैं लेकिन मधुबनी आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसमें मतलब फुल ऑफ कलर्स आपको इतने कलर्स इसमें दिखेंगे और इतना सुंदर लगता है ये देखने में कि अगर आप ये पेंटिंग अपने घर के एक प्लेन वॉल पर लगा देते हैं तो आपको फिर और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है वो एक पेंटिंग ही आपके पूरे वॉल को डेकोरेट कर देगी तो इट इज़ कलरफुल आर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल आगे बढ़ते हैं और ये हमारा है रबी की फ़सल और खरीफ की फसल के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम रबी की फ़सल के बारे में देख लेते हैं तो इसमें पिक्चर्स में आपको सब शो हो ही रहा है कि गेहूं है जौ है मटर है सरसों हैं सरसों में देखिए दो वैरायटी है मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि येलो एंड ब्लैक मस्टर्ड होता है दो तरह की वेरायटी होती है और ये रबी की फ़सल में आता है तो रबी और खरीफ में कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है तो देखिए इसमें इनका जो हार्वेस्टिंग टाइम है और इनका जो सोइंग मतलब बोए जाने का टाइम है और इनके काटे जाने का जो टाइम है वही मेन इनको डिफर करता है इनको अंतर करता है दोनों में कि इनको कब बोया जाता है और कब इनको काटा जाता है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि इट इज़ रबी क्रॉप और ये खरीफ की क्रॉप है ठीक है तो विंटर सीजन में देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक ये क्या किए जाते हैं हार्वेस्ट किए जाते हैं ठीक है सॉरी uh, अक्टूबर uh, से दिसंबर तक इसको क्या किया जाता है लगाया जाता है और समर आने तक मतलब समर तक ये कट ही जाते हैं हर हाल में आप देखेंगे तो ये हर हाल में कटना शुरू हो जाते हैं मतलब इनको बारिश ख़त्म होते साथ सेप्टेम्बर ऑलमोस्ट बारिश लगभग ख़त्म हो जाती है तो अक्टूबर से क्या होता है कि इन पौधों को लगाया जाता है ये आप मेन इसमें जो चीज़ है वो ध्यान दीजिएगा कि ये विंटर में इसको लगाया जाता है और जैसे मटर है अब आप सोचेंगे कि विंटर में तो हमको मटर खाने मिलता है तो यस मटर लगाते हैं और वो दो तीन महीने के अंदर वो फलना चालू हो जाता है तो हमको सर्दियों में ही मटर मिलने शुरू हो जाते हैं और कुछ कुछ जो हैं उनको थोड़ा सा ग्रोइंग में टाइम लगता है क्योंकि हर तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनका टाइमिंग भी अलग अलग होता है जो किसान होते हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि रेगुलर उनकी प्रैक्टिस होती है उनको पता होता है कि इस फसल को होने में कितना समय लगेगा तो ऐसा नहीं होता है कि हर फसल जो है आपने लगाई तो वो एक महीने में तैयार ही हो जाएगी या हर फसल को तीन महीने ही लगेंगे ऐसा नहीं है तो ये इनका बोने और काटने पे डिपेंड करता है कि वो हमारे किस फसल में आती है तो इनका जो बोने का जो समय होता है इनको सोइंग का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इनको लगाया जाता है और हार्वेस्ट इनको मैक्सिमम जा करके अप्रैल से जून तक इनको हार्वेस्टिंग कर ली जाती है इनकी कटाई कर ली जाती है तो इनका जो एग्ज़ाम्पल है जैसे कि गेहूँ हो गया आ, बार्ली हो गया बार्ली मतलब जौ जौ का आटा बहुत लोग तो खाते होंगे पिक्चर में आपको शो भी हो रहा होगा नवरात्रे अभी आने वाले हैं तो नवरात्रे में आप देखते होंगे कि वो जौ वगैरह बोए जाते हैं देवी के पास में कलशों में रखे जाते हैं जो निकल आते हैं हरे हरे तो इनका सीजन ही है यही तो ये जौ बोए जाते हैं और मटर लगाए जाते हैं और फिर सरसों अब देखिए इनके तो जो लगाने का भी एक होता है ना वो भी एक तरह से लगाया जाता है कुछ ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट बो दिया जाता है और वो हो जाते हैं जमीन पे मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में उनके बीजों को लगा दिया जाता है वो हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग से थोड़ी सी जमीन में उनको बोया जाता है और वहाँ पे जब पौधे उग जाते हैं तो उनको वापस फिर खेत में शिफ्ट किया जाता है तो इसमें ये दोनों तरह के पौधे आ जाते हैं जैसे हमने बैंगन लगाया तो बैंगन ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उसको खेत में जाके लगा देंगे नहीं बैंगन को आपको क्या करना पड़ेगा पहले अलग से छोटी सी एक नर्सरी जैसा मतलब एक छोटा सा जगह घेर करके वहाँ पे बीज डाल देने होंगे और जब आपका पौधा ग्रो हो जाएगा तो उनको उखाड़ के थोड़ा सा जब वो स्टेबल हो जाएगा उसको उखाड़ के उसके जो जहाँ आप चाहते हैं कि ये पौधा हो वहाँ पर आप लगा देंगे ठीक है तो ये तरीका होता है और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे सरसों हैं सरसों को डायरेक्ट बीज छिड़क दिया जाता है खेत में और वहाँ पर वो ग्रो करते हैं तो इस तरह से जो मटर की हो गई और आपके ठंड में जितने आने वाले जो गाजर मूली वाले जितने आपके हैं ये सभी आपके हो गए रबी के क्रॉप्स ठीक है इसको आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा जो भी हमको सर्दियों से लेकर के और अप्रैल तक समझ लीजिए जो मिल जाते हैं हमको कट के वो सारे जो हैं रबी की क्रॉप्स होती हैं देन आपका आता है खरीफ की फसल खरीफ में क्या हो जाता है देखिए कौन कौन से इसमें हैं कपास है मतलब कॉटन ग्राउंड नट है आपका मेज़ है मेज मतलब मक्का राइस राइस मतलब चावल ये आपकी हो जाती है खरीफ की फसल ठीक है तो खरीफ की जो फसल होती है ये जो है इनको सितंबर, अक्टूबर में क्या कर दी जाती है इनकी कटाई कर दी जाती है ठीक है मानसून की शुरुआत में जब बारिश की शुरुआत होती है मतलब हमने जैसे ही रबी की फसल काटी हमारा खेत खाली हो गया थोड़े दिन उसको छोड़ दिया उसकी खुदाई वगैरह करी उसके बाद हम क्या करते हैं कि खरीफ की फसल लगा देते हैं और फिर ये जो फसल होती है ये हमारी सेप्टेम्बर अक्टूबर तक कट हो जाती है और ये कटने के बाद थोड़े दिन हम उसको फिर से छोड़ के मिट्टी को सही करते हैं और फिर हम क्या लगाते हैं रबी की फसल लगाते हैं तो ये इस तरह से इनका चलता है तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अभी जो अब सीजन में हमको मिलने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं और इसमें आ, जो है कॉटन है ग्राउंड नट है मेज़ है राइस है ये हैं खरीफ की फसल के कुछ एग्जाम्पल्स ठीक है तो आज हमारा जो क्लास है ये कम्प्लीट हुआ और बिना किसी प्रॉब्लम के ये कम्प्लीट हुआ और आगे भी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा आप लोग इसी तरह से अगर कंटिन्यू क्लास अटेंड करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा और जो और भी बच्चे आपके पहचान में हों जो आपके साथ सी की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों तो उनको आप ज़रूर बताइए और क्लास ज़रूर ज्वाइन करवाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके ठीक है तो आगे हम देख पर और रिवाइज़ कर लेते हैं कि पी जी की हमारी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं फिफ्टीत ऑगस्ट से और न्यू सीटेड की जो ब्रांच बैचेज़ हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों को कोई भी तरह का फीडबैक देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं मुझे यहाँ भी दे सकते हैं और थैंक यू अवनी जी नाइस क्लास कहा आपने थैंक यू वेरी मच और आप लोग रेगुलर इस तरह से अटेंड करिए जितने लोगों ने भी अटेंड किया है बहुत बहुत थैंकफुल उनके लिए और वेदर कंडीशन इज़ सो पुअर बट फिर भी हम रेगुलर ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़े रहें कोशिश करूँगी कि हम रेगुलर क्लास ले सकें और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं और मुझे रिप्लाई करते हैं तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए कल फिर आप लोगों से शाम को मिलूंगी और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ फूड कंटेंट ठीक है फूड के तो बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा प्लांट वाला जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो चुका है ओके सो बाय ऑल तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू रखिए और अब हम आपसे विदा लेते हैं